जैसे कि मुझे पता चला यहाँ पर हरिद्वार में गुरुद्वारा ज्ञान गोत्री के इशू जो है बहुत साल पहले से ये चल रहे थे, तो हमारे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के चेयरमैन सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी ने मुझे आदेश दिया कि इस दफ़ा यहाँ ज़रूर जाकर आप लोगों से मिलकर यहाँ के स्टेटस एस डी एम साहब के माध्यम से थोड़ा समझ कर आए। और उसके बाद आज दोपहर को हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ भी मीटिंग है, तो वहाँ पर भी हम उनको पूरे शिद्दत के साथ दिल से उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये इशू जितना जल्दी हो सके किसी अंजाम तक पहुँचाए, क्योंकि कोई भी इशू अगर हम बहुत ज़्यादा लंबा खींचते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एड ऑन होते जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बजाय और ज़्यादा दिक्कतें पैदा होते जाते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि बाबा जी के आशीर्वाद से ये इशू जितना जल्दी हो सके मुकाम तक पहुँचे और सारे हमारे सिख समुदाय को जस्टिस मिले, ये हमारे दिल की गहराइयों से ये इच्छा है। और मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है एस डी एम साहब भी के मदद से और हमारे उत्तराखंड के सरकार के मदद से अगर ज़रूरत पड़े तो हम यूपी के सरकार से भी मिलेंगे, और जो भी इशू के कारण कोई मतलब यहाँ पे कोई कहते हैं कि ये उत्तराखंड के हैं भूमि, बीच में कहते हैं कि ये यूपी के हिस्से के हैं, तो ऐसे में मेरे ख्याल में यूपी और उत्तराखंड दोनों के जो है एडमिनिस्ट्रेशन को एक साथ टेबल पे बैठकर आप लोगों के साथ बात करने की ज़रूरत है। कोई भी इशू ऐसा नहीं होता है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, तो अगर हम बिल्कुल अच्छे इंटेंशन के साथ कोशिश करेंगे तो ज़रूर सफलता मिलते हैं। और मुझे उम्मीद है यहाँ के सरकार भी और यूपी के सरकार भी, और ज़रूरत पड़े तो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हम सहयोग ज़रूर लेंगे। हमारे चेयरमैन सर के नेतृत्व में, सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी के नेतृत्व में, हम ज़रूर इस मसले को हल करने में कामयाब ज़रूर हो जाएंगे आप लोगों के आशीर्वाद से, बाबा जी के आशीर्वाद से। इसी उम्मीद के साथ आप सबको सत श्री अकाल। बोले सो निहाल।